गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के मतदान को संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय भवन से 56 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के साथ रवाना किया गया, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीना ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव को संपन्न कराने के लिए 17 जनपद में 321 बूथ बना है और गोरखपुर में 56 बूथ बना है, जिसके लिए 65 पोलिंग पार्टी बनाया गया है और 56 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। बाकी 9 पोलिंग पार्टी रिजर्व रहेगी। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत पोलिंग पार्टी को बूथ पर भेज दिया जाएगा। इसलिए सभी पोलिंग पार्टी को विश्वविद्यालय से पोलिंग बूथ के लिए मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया है, जो कि सोमवार को मतदान कराने के बाद वापस विश्वविद्यालय में ही आकर जमा करेंगे। इस अवसर पर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, ADM प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, SDM सदर नेहा बंधु, SDM सहजनवा सुरेश राय, तहसीलदार सदर विकास सिंह, नायब तहसीलदार सदर विकास कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और CDO संजय कुमार मीना ने कहा, ये जो भी मतदान कार्मिक हैं, आप लोग इस तरफ आ जाएं, कुर्सी लगी हुई है, यहाँ आपकी अटेंडेंस भी हो रही है, आप इस तरफ आके अटेंडेंस अपना कराएं। काउंटर नंबर 1 से प्रश्न नंबर 3 से बूथ नंबर 251 से बूथ नंबर 266 तक की सामग्री वितरित की जाएगी। लगी है, आप लोग इस तरफ आ जाएं, कुर्सी लगी हुई है, कुर्सियों पर आकर बैठिए और आपकी अटेंडेंस ली जानी है। मतदान कार्मिक जो रिजर्व में लगे हैं, आप लोग आकर के अपनी अटेंडेंस दीजिए। रिजर्व के जो भी मतदान कार्मिक क्या उपस्थित है, आप लोग मेन काउंटर पे आके अपना हस्ताक्षर करवाइए। काउंटर नंबर 1 से बूथ नंबर 211 से बूथ नंबर 230 तक की सामग्री वितरित की जा रही है। काउंटर नंबर 2 से बूथ नंबर 231 से 250 तक की सामग्री वितरित की जा रही है। काउंटर नंबर 3 से 251 से बूथ नंबर 266 तक की सामग्री आप प्राप्त करेंगे। काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त कर लें, अपनी पार्टी के साथ बैठ के उसका मिलान कर लें। कुछ अधिकारियों कर्मचारियों से वार्ता हुई है। हेलो हेलो पैसा देना करवा के तुम्हें बताइए।
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। और आप जानते हैं जैसा कि आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक जो निर्वाचन है उसकी पोलिंग पार्टियां पूरे 17 जनपदों से रवाना हो रही हैं। हम लोग गोरखपुर में हैं, हमारे यहां 56 बूथ है। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग आ गए हैं, सामग्री प्राप्त कर रहे हैं जो पीठासीन अधिकारी हैं, और ये अभी अगले 2 घंटे में अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि सभी लोग 2 से 3 बजे के बीच अपने अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगे। कार्मिक हमारे पास 56 बूथ हैं, तो जितनी मानक है उतने कार्मिक लगे हुए हैं। गाड़ियों का प्रबंध है, सुरक्षा का प्रबंध है, पुलिस का प्रबंध है, और सभी प्रकार के प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं। और सभी को कल इसी स्थल पर, जो ये वाणिज्य भवन है यूनिवर्सिटी का, यहीं पर कल मतपेटिकाएँ जमा होंगी पूरी 17 जनपदों की। बहुत बहुत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है। देखिए, MLC चुनाव में ये क्योंकि 17 जनपदों में टोटल 321 बूथ बने हैं, जिसमें हमारे जनपद गोरखपुर में टोटल 56 बूथ हैं, जिसके लिए हमने 65 पार्टियाँ बनाई हैं, जिसमें 56 पार्टियाँ बूथ पर जाएंगी और 9 पार्टियाँ रिजर्व में रहेंगी। यदि कोई किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपस्थित रहेगा तो रिजर्व से उनको बूथ में ड्यूटी लगाई जाएगी। उसी के क्रम में आज यहाँ दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से सभी पार्टियों को डिस्पैच किया जाएगा, जो अपना जो भी सामग्री है वो लेके संबंधित बूथ पर जाकर मतदान कराएंगे तथा वापसी यहीं पर अपने रिसीविंग कराएंगे।